हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ESIC फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उस बारे में ये वीडियो होगी। तो यहाँ पर डिटेल में हम लोग देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे हम लोग कि किस सीक्वेंस में आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फेज 3 का जो सिलेबस है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, जिसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स यहाँ पर क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको करना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। टाइपिंग मैटर आपको दिया जाएगा MS वर्ड में, जिसको आपको टाइप भी करना होगा एंड उसकी फॉर्मेटिंग भी करना होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS Excel विथ यूज़ ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आपको MS Excel के कुछ सवाल दिए जाएंगे, वो सवाल भी हम लोग देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो ये तीन जो है सीरियल नंबर होंगे, यानी तीन टॉपिक से, तीन डिफरेंट टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस भी आप अपने स्क्रीन पर पढ़ लिए होंगे अभी तक के। MS Excel के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर MS Excel जो होता है वो थोड़ा इजी होगा। अगर आपको सारे फॉर्मूलास पता है, आपको पता है किस तरीके से एक्सेल के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, अगर आपको इसकी आइडिया होगी तो 20 नंबर के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो MS पावर पॉइंट से आपको पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो समय है वो थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू MS वर्ड। एंड लास्ट में आपको MS वर्ड का जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करना है। एक टिप भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर से करना है। जिस भी तरीके से आप अटेम्प्ट करना चाहते हो आपको तीनों क्वेश्चन को जरूर से अटेम्प्ट कर लेना है। 30 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे वो इतने हार्ड नहीं होंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। आपको बता दो किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह हमारी ईबुक है, यहाँ से आपको जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे MS Excel के कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, जैसे कि मैं ऊपर आपको दिखाऊँ, ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप देख पाओगे सेल्स ऑफ कंपनी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली टोटल निकालने के लिए कहा जाएगा, एवरेज निकालने के लिए कहा जाएगा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए आपको कहा जा सकता है। परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली सम किस तरीके से करना है, डिफरेंसेस किस तरीके से निकालना है आपको, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनेंगे। परसेंटेज किस तरीके से निकालना है MS Excel में, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सेल्स है उनको किस तरीके से मर्ज करना है, हाईलाइट किस तरीके से करना है आपको, कलरिंग करना है टेबल को, बॉर्डरिंग देना है, बोल्ड करना है यानी उसकी फॉर्मेटिंग करना है बेसिकली। तो ये क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस जो है ये आपको तीनों सेक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसा फॉर्मेटिंग आपको करने के लिए कहा जाएगा, तो वो तीनों सेक्शन में आपको फॉर्मेटिंग करना है, जिसमें आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलरिंग करना है, अंडरलाइन करना होगा, फॉन्ट टाइप चेंज करना होगा, आपको जो है फॉन्ट का साइज चेंज करना होगा, टेबल आपको बॉर्डरिंग देना है, पेज को बॉर्डर देना हो सकता है, पेज का जो साइज है उसे A4 लेना है, ओरिएंटेशन उसका चेंज करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नीचे आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे एवरेज यहाँ पर आपको निकालना हो सकता है, रिजल्ट यहाँ पर आपको निकालना हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं पेपर सेट में, तो इसे डाउनलोड करने के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, तो वहाँ से आपको ये पेपर सेट को जरूर से डाउनलोड कर लेना है। पावर पॉइंट के क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल 45 सेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल प्रैक्टिस सेट, सैंपल पेपर सेट, यहाँ पर आपको एक ही ईबुक में आपको सब कुछ मिलने वाला है। पेज नंबर 49 पर आपको आ जाना है, इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। पावर पॉइंट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्लाइड्स को अरेंज करना होगा, एडिट करना होगा, उसके फॉर्मेटिंग करना होगा, हेडिंग देना है, सब हेडिंग देना है, फॉर्मेट जैसे कि मैंने कहा फॉर्मेटिंग करना है, बॉर्डर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर से बनेंगे, हेडर एंड फुटर से यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनेंगे, डेट एंड टाइम वहाँ पर आपको ऐड करना होगा, यानी हेडर एंड फुटर में बेसिकली यहाँ पर फुटर होता है, तो फुटर में आपको फुटर प्लस डेट एंड टाइम एंड वहाँ पर का रोल नंबर भी मेंशन करना होता है। नहीं पता है तो आपको मेरे वीडियोस देख लेना है, या फिर आप मेरा नंबर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप आपको जरूर से कर देना। व्हाट्सएप आप करोगे तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसका सलूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो ट्रांजेक्शन का बन सकता है, यानी आपको दो स्लाइड के बीच में एक ट्रांजेक्शन का यूज करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे, और भी काफी सारे क्वेश्चन है, तो एक बार आपको ये क्वेश्चन जो है पढ़ लेना है एंड इसको अटेम्प्ट जरूर से करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है
उसे इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में आपको अटेम्प्ट जरूर से करना है। यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं, किसी अल्फ़ाबेट को किस तरीके से आपको टाइप करना है उस बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में। इसके ऊपर में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो एक एक मिनट का वीडियो ये बनेगा किस अल्फ़ाबेट को किस तरीके से टाइप करना है, बट ये सीरीज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ पर शॉर्टकट कीज देखोगे एंड फार्मूलाज भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड के जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, तो वर्ड में आपको इस टाइप से एक लेटर दिया जाएगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था तो वहाँ पर भी आपको एक लेटर दिया गया था जिसको आपको फॉर्मेटिंग करना होगा। तो फॉर्मेटिंग में बेसिकली आपको जो है जो टेक्स्ट दिया जाएगा उसका जो टाइप होगा, जो फॉन्ट टाइप होगा, फॉन्ट का साइज होगा, उसको आपको चेंज करना है। उसमें स्पेसिंग आपको चेंज करना होगा, पैराग्राफ आपको देना होगा, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग के क्वेश्चन होंगे। जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसकी फॉर्मेटिंग करना होगा। तो यही बेसिकली यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको टाइपिंग भी वर्क होता है, उसी वजह से मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले जो सीक्वेंस होगा आपका वो होना चाहिए एमएस एक्सेल का। तो एमएस एक्सेल थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो। 20 नंबर्स का दिया हुआ है, अगर आप उसे थोड़ा अगर एक दो मिस्टेक्स होती भी है तो भी आपको 20 में से कुछ अच्छे नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट का जब क्वेश्चन आप हल करोगे तो भी आपको कुछ अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप क्वालिफाई तो हो जाओगे। इसके बाद जब आप तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको तीनों क्वेश्चंस को सेव जरूर से कर देना है आपके डेस्कटॉप में। आपका जो रोल नंबर होगा एंड आपका जो नेम होगा, एग्जाम का जो नेम होगा वो भी आपको मेंशन करना हो सकता है, तो आपको सेव जरूर से कर देना है। सेव करने के बाद आपको प्रिंट देने के लिए भी कहा जा सकता है एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बीच में आपको प्रिंट देने के लिए नहीं कहा जाएगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए इंडिविजुअल प्रिंटर की सुविधा नहीं होती है, एक कॉमन प्रिंटर होता है। तो कॉमन प्रिंटर में क्या होता है कि 30 मिनट्स का जो ड्यूरेशन होता है वो एंड होने के बाद आपको जो है प्रिंट देना हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 17 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। प्रीवियसली यानी 2019 में यहाँ पर 17 मार्क्स कहा गया था। अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में अभी इस तरीके से कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए उन्होंने नहीं कहा है, उन लोग ने कहा है कि डिसाइड करेंगे हम लोग। बट यहाँ पर मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि क्वालिफाइंग जो नंबर्स होंगे वो 17 नंबर्स ही यहाँ पर होंगे, क्योंकि 50 का जो 35% होता है वो 17.5 होता है। तो तकरीबन 17-18 नंबर पर आप जो है क्वालिफाई हो जाऊंगे। तो आपको यहां पर कोशिश करना है कि यहां पर आप 25 के आसपास यहां पर नंबर लेकर आओ। मैं तो चाहता हूं कि मैक्सिमम नंबर आप लेकर आओ। अगर आपको मैक्सिमम नंबर लेकर आना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो इस नोट्स को आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है। एमएस वर्ड के काफी सारे क्वेश्चंस आप यहां पर देख पाओगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये एमएस वर्ड के हैं, एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको वाटरमार्क ऐड करने के लिए कहा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टेबल आपको इंसर्ट करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा सकता है। लेटर भी आप यहाँ पर देख पाओगे तो लेटर भी यहाँ पर है एंड यहाँ पर ग्राफ एंड टेबल भी आपको बनाने के लिए कहा जा सकता है। इसके बारे में और भी वीडियोस आएंगे एमएस वर्ड के बारे में। तो गाइस इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन डेट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज की जो डेट है वो है 20 जून। 20 जून को आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 20 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका जो एग्जामिनेशन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई मंथ में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। संडे की अगर मैं बात करूँ तो 3, 10, 17 एंड 24, तो ये चार यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी। तो इनमें से ही आपका एक दिन एग्जामिनेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ तो 10 तारीख तक आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो 10th of July हम लोग एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन में अगर देखें, ऑफिशियल वेबसाइट में अगर हम लोग देखें, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो नोटिसेस है अभी फ़िलहाल में जितने भी नोटिसेस है वो 16 एंड 17 को आए हुए हैं। रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर जितने भी नोटिसेस आप देख पाओगे वो 17 एंड 16 को आए हुए हैं। 16 को काफ़ी सारे नोटिसेस आपको देखने को मिले हैं। अभी अगर कोई नोटिस आता है तो वो एक ही दिन काफ़ी सारे नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ESIC है एक ही दिन यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे 15 को भी यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिसेस देखने को मिले हैं। तो अभी जो भी अपडेट आएगा तो एक साथ 2 से 3 अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ESIC UDC एग्जामिनेशन से रिलेटेड। वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे, आपको जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा उस बारे में भी एक नोटिस आएगा। तो तकरीबन 2 से 3 नोटिस जो है आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो।
तो गाइस अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। जैसे कि मैंने सीक्वेंस बताया कि एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड, आपको जो है इस सीक्वेंस में अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको जो है मैक्सिमम नंबर्स यहाँ पर आप लेकर आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।